आगे बढ़ते हैं। देशहित में सवाल ये है कि महिला सुरक्षा क्या राजनीति का विषय है, और आज हमारा ये सवाल कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से है। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की ही सोशल मीडिया टीम में काम करने वाली एक महिला ने अपने सहयोगी चिराग पटनायक पर छेड़खानी और धमकी का आरोप लगाया है, और पीड़ित का आरोप है कि जब कांग्रेस ऑफिस में उसने छेड़खानी की शिकायत की तो हालात ऐसे बना दिए गए कि उसे इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि राहुल गांधी के चमचों से बेटियों को बचाना पड़ेगा। कांग्रेस की लगातार कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों को दबा दिया जाए। मैं उस पे बारे में जरूर जांच करवाऊंगा। आरोप अगर कांग्रेस की सोशल मीडिया में काम करने वाली एक लड़की से छेड़छाड़ का है तो इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी कैसे हैं? ये समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। The single biggest problem in this country is that women do not have the place that they deserve. Women are mistreated. Women are made to feel uncomfortable. Women are categorized. महिला सुरक्षा और महिलाओं की चिंता पर राहुल गांधी के ऐसे कई और ज्ञान और बयान हैं, लेकिन शायद सिर्फ दूसरों के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस के सोशल मीडिया मैनेजर से यौन शोषण की शिकायत पूरी राहुल समेत पूरी कांग्रेस पर बड़ा सवाल नहीं होती, और कांग्रेस पर महिला से छेड़खानी का मामला दबाने के आरोप नहीं लगते। कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग से इस्तीफा दे चुकी पीड़ित महिला के मुताबिक उसका सीनियर चिराग पटनायक ऑफिस में उसका यौन शोषण करता था, और 4 अप्रैल से 23 मई तक चिराग ने कई बार उसकी गरिमा भंग करने की कोशिश की। पीड़ित की शिकायत है कि उसने चिराग के आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत आईटी सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना से भी की, लेकिन कार्रवाई की बजाय दिव्या ने उसके ही कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। परेशान होकर पीड़ित ने इस्तीफा दे दिया, और क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पाए गए और कंप्लेनेंट से बात भी की गई, उसके बाद इसमें धारा 354A और 509 के तहत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि राहुल गांधी के चमचों से बेटियों को बचाना पड़ेगा? दिल्ली पुलिस कांग्रेस मीडिया सेल में काम करने वाले चिराग के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पार्टी की मीडिया सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना ने बयान जारी करके कहा है कि उन्हें खुद को यौन शोषण का पीड़ित बताने वाली महिला की कोई शिकायत नहीं मिली। जिस दिव्या स्पंदना पर आरोपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस की आईटी टीम की प्रमुख हैं और राहुल गांधी की बेहद करीबी हैं। मैं उस पे बारे में जरूर जांच करवाऊंगा, पूछूंगा सोशल मीडिया से, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा को भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि जाके पता करो। सवाल ये है कि अपने ही दफ्तर में महिला से यौन उत्पीड़न पर कांग्रेस की नींद अब क्यों टूटी? सवाल ये है कि जो राहुल गांधी महिला रिपोर्ट पर विदेशी मीडिया की फर्जी रिपोर्ट पर सवाल उठाने में वक्त नहीं लगाते, वो अपनी ही पार्टी में महिला के शोषण पर मौन क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज ये मानता है कि अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी उसे बचाने की कोशिश करने वाला, और इसीलिए आज राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय देश को ये भरोसा दिलाए कि उनके ऑफिस में आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं हुई। अब देशहित में आपको बताते हैं कि दफ्तर में यौन शोषण के खिलाफ कानून क्या है। दफ्तर में महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जाना चाहिए। दफ्तर में अंदरूनी शिकायत समिति का गठन जरूरी है। समिति में महिलाओं की भागीदारी आधी से ज्यादा हो। शिकायत समिति की प्रमुख का महिला होना जरूरी है। समिति को 90 दिन के अंदर शिकायत पर जांच शुरू करनी है। शिकायत करने वाली को 90 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अब सवाल कांग्रेस से है कि पार्टी दफ्तर में महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में इन कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। महिला सुरक्षा पर ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो फिर और क्या? राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अप्रैल के महीने में मिडनाइट मार्च निकाला था, और मिडनाइट मार्च में ये कहा था कि हिंदुस्तान की महिला सड़क पर उतरकर अपनी जिंदगी शांति से जी सके, ऐसा कुछ कीजिए।